हेलो, गुड मॉर्निंग एंड राम राम सभी को. वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो. सो आज लखीमपुर में आई थिंक तीसरा दिन है हमारा, एंड दिन की शुरुआत इस तरीके से हो रही है. बच्चे को क्या ब्रेकफास्ट कराने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर दे दिया, क्योंकि अद्विक को ना ये वाला माहौल गुवाहाटी में बिल्कुल नहीं मिलता है. एंड यहाँ पे उसका फ्रेंड भी बन गया है, दो तीन फ्रेंड वो लोग मिलके सुबह को ये टाइम को ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा खेलते हैं, क्योंकि आज रियांश का भी स्कूल नहीं था तो वो भी साथ में खेल रहे हैं. एंड यहाँ का डॉगी इतना सीधा साधा है ना, दो डॉगी है यहाँ पे नीचे, दोनों ही बहुत ही भोले हैं, तो बच्चे लोग को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग आराम से अपना खेल लेते हैं. एंड खेल लेने के बाद अद्विक को भाभी यहाँ पे नहला दे रही है, क्योंकि रियांश को नहला दिया था तो साथ ही साथ अद्विक को भी नहला दिया, तो मैंने ये एज ए मेमोरी कैप्चर कर लिया. एंड वो भाभी उसका सब कुछ कर देते, खिलाना नहलाना आराम से, वो उनके साथ मान भी जाते, वो कर भी लेती है. हेलो गाइस, बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि शाम हो गई थी एंड बच्चे कल से बोल रहे थे कि आइसक्रीम खाना है, कि जो कल हमको आते वक्त आइसक्रीम नहीं मिली थी, तो आज हमने ने बोला था, उनको बोला था कि कल खिलाएंगे, तो इसके लिए भी निकल के आए. एंड भाभी ने बोला था कि यहाँ का जो कुल्फी है ना वो बहुत ही टेस्टी होते हैं. वैसे ऑप्शन आज बहुत ही कम था, क्योंकि जो ये कुल्फी वाला भैया है ना वो अपना देश जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला था जो सामान है उसको ख़त्म करना है, वो देश जा रहे हैं, तो वही था. तो हम लोग ने खाया कुल्फी, मैंने तो दो खाया रात ही, भाभी ने एक भी नहीं खाया, क्योंकि भाभी का गला में थोड़ा दर्द था. कुल्फी वुल्फी खा के फिर हम अपने बहन के घर गए. अद मजा आया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने एक बहन के घर. रास्ते में ये क्या है, भैरवनाथ कुल्फी का इसका मिला था. बहुत वैरायटी मिल रही है, अभी कुल्फी अवेलेबल है. तो ये खाया, भाभी नहीं खा रही क्योंकि उसके गले में दर्द है. तो और आइटम नहीं है गाइस, तो लगाओ जा रहे हैं मछली. तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने सिस्टर के घर पे, एंड मैं आपको उसका मंदिर दिखाती हूँ. बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही मतलब साफ़ सुथरे से उसने रखा है. ये कृष्ण जी उनके उसने लिया है, मतलब वो फॉलो करने करती है अभी कृष्ण जी को, बाल कृष्ण जी को. तो मैं ना इमेजिन कही थी कि बहुत छोटा मोटा सा सिंपल सा कृष्ण जी होगा, जो लोग नॉर्मली घर पे रखते जाता है, जो वीडियो में दिखता है, लेकिन ये तो इतना बड़ा वाला है, मैंने सोचा भी नहीं था. एंड उनको देख के ना मुझे अलग सा गूज़बम्प आ गया था, मतलब वाओ, मतलब सेवा कर सकते हैं, उनको बच्चे की जैसे ही सेवा करती हैं. एंड मेरी बहन पहले ना एक्चुअली वो मेरे से बहुत छोटी भी है, एंड बहुत चेंजेस आए जब से उन्होंने कृष्ण जी को अडॉप्ट किया है, मतलब उनको लिया है अपनी ज़िंदगी में, तब से उसका लाइफ में बहुत सारे चेंजेस है. वो बताती भी है कि दी ये पॉजिटिव चीज़ मेरे में हुई है, चेंजेस आए हैं. वो इंजॉय करती है, ऐसा नहीं है कि कुछ फोर्सफुली करते हैं, वो पूरी वेजिटेरियन हो गई है, मतलब अलग ही है उसका अभी लाइफ स्टाइल जो भी हो. तो कृष्ण जी से मिल के बहुत ही अच्छा लगा. मैं एक्चुअली उनको देखने के लिए गई थी, एंड यहाँ पर भी हम लोग चाय वाय पी रहे हैं, बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने खाने के लिए दे दिया है, नीचे से दिया ताकि बेड गंदा नहीं करे. अभी वो पूरा अपना मस्ती वस्ती कर रहे हैं इसके बाद में. सो यही था, यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, बातचीत की ढेर सारी, एंड फिर कुछ देर के बाद हम निकल भी गए थे, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम था, आज बहुत कुछ करना था. सो वी आर बैक टू होम. अभी 7:30 के करीब हुआ है कुछ, तो हम लोग घर आ गए हैं. यहाँ पे तेल सुखाया है एंड यहाँ पे जीरा धो के सुखाया है. अभी हम लोग का प्लान है नेपाली रोटी बनाने का, क्योंकि भाभी को मन है ऊपर इनके जो लैंडलॉर्ड है उनको देने के लिए. हम लोग क्या खाएंगे आज? चाउमीन. चाउमीन भी खाएंगे, क्योंकि रियाज के पापा को मन है कि आज डिनर में चाउमीन करें. तो मैं फास्ट फूड में आज नहीं हूं करूंगा. अच्छा, रियाज ने बोला था कि उसने फास्ट फूड छोड़ दिया है, वो हेल्दी फूड खाएगा बोला था आज से. लेकिन उसको जैसे पता चला कि डिनर में बनने वाला है चाउमीन, तो उसने बोला कि पुपू मैं कल से शुरू करता हूँ हेल्दी फूड खाने के लिए, आज थोड़ा बहुत चाउमीन दे देना. तो बहुत ज्यादा खाऊंगा. ओके, ज्यादा खाएगा, ठीक है. तो जब चेंज करते हैं, बच्चे को फ्रेश कराते हैं, जब मैं किचन में घुसूंगी तब आपको मैं दिखाऊंगी. तो मैं किचन में आ गई हूँ. यहाँ पे मटर मैंने बॉइल करने के लिए बिठा दिया, नमक दिया है और कुछ नहीं दिया है. ये पानी गर्म हो रहा है जिसमें नमक एंड रिफाइन दिया है, जिसमें मैं ऐड करूँगी ये चाउमीन. एंड यहाँ पे पीठा भिगोया है.
यहाँ पे चाउमीन बॉयल होके रेडी है, इसको मैंने ठंडे पानी से धो भी दिया था। देन यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा सा दे दिया, तेल थोड़ा कम ही डालूंगी, थोड़ा ड्राई बनाऊंगी। यहाँ पे अनियन कट कर लिया है, बीन है, गाजर ये भी बीनी है, एंड यहाँ पे चिली भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है विनेगर, सोया सॉस, ये सेजवान सॉस एंड टोमेटो केचप, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो मैं बना के फटाफट आपसे मिलती हूँ। पहले जो है अंडा का भुजरी बना के इसमें डाल दूंगी, फिर भाभी एंड भैया वेज है आज, तो इसलिए मैंने हम तीनों के लिए अद्विक, रियांश, मेरे लिए अंडा बॉईल कर दिया। ये ऑलमोस्ट डन है, ये इसको मैं बंद कर दूंगी एंड सर्व करेंगे। यहाँ पे अद्दू के लिए ओट्स बनाने के लिए मैंने रेडी कर रखा, ये जैसे निकालूंगी इसको डाल दूंगी। ये कुछ प्याज थोड़े से कट करके रखें ऊपर से वो करने के लिए, सर्व करने के लिए। एंड यहाँ रोटी का बैटर भी बन के रेडी है, देखो इतना अच्छे से। तो ये सब डिनर करने के बाद हम लोग बनाएंगे फिर यहाँ पे रोटी। आज पेप्सी वाले से दुकान बंद भएको छैन कि बाबा, छेउको दुकान हिँड्नु न, म आउँछु नि हेर्नु, मलाई आउँछु। चाउमीन इज रेडी। अब इसमें जिसको सॉस चाहिए, क्या चाहिए, वो खुद से मैनेज करके खा लेगा। तो चले दादा। सो यहाँ पे सब हम बैठ के हर के सब बोले भाभी सही सही। हाँ ये वेज है, अगर आज नॉन वेज होता तो थोड़ा चिकन विकन या फिर अंडा डालते। रियांश कैसा है बोलो, खा के बोलो। खा तो कैसा है दादा, खा के बताओ। नहीं जल सब खा के बताओ। चम्मच तो अच्छा हो गया ना। सच्ची बोलना, सच्ची। हाँ ठीक है, अदू कैसे छे बेटा, कैसा है, कैसा लगा, मजा आया? आज फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? ये एक दो तीन। अदू का फूफू का है तुम्हारा? हाँ यहाँ पे मम्मी का तो नहीं, नहीं मम्मी आज वेज है। वेज चिरो कौन है, चिरो खाना बनाओ चिरो। मुंह में पानी आ गया क्या? जितने जितने खाने चाहिए। चिड़ो वाला चिड़ो। वाला क्यों आप फ्लैश हो? फ्लैश? हाँ स्पीड वाले। इतना सब बैठे हैं क्या? तो जानते हैं सब लोग, बच्चे लोग बहुत सारा काम पता है। हम लोग बताते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ। ये क्या है बेटा? आधुनिक बात करने के लिए हम जब खाने बैठे ना, इधर हम भूल ही गए कि अंडा गैस में बॉईल करने के लिए रखा था, मतलब ऑफ किया था गैस। तो फिर रियांश आज फर्स्ट टाइम वो अंडा छील के दे रहा था, एंड खुद से हम लोगों ने बोला भी नहीं, वो गया एंड अंडा है पुपू, हम लोगों ने जब बात किया तो वो किचन में जाके आराम से अंडा निकाल के छीनने लग गया। तो वही हम बोल रहे थे कि देखो बच्चे लोगों को बहुत काम आते हैं वो जानते हैं, बट हम मम्मियाँ क्या करती है ना, मम्मियाँ पापा कि मेरा बेटा छोटा है छोटा है करके हम कुछ करवाते नहीं हैं। एंड बहुत अच्छे से छीला था बाय द वे, लकीली अंडा भी अच्छे से बॉयल हुआ था तो उसको भी ईजी हो गया। एंड साथ ही साथ मैं आदमी को यहाँ पर खाना भी खिला रही हूँ क्योंकि नूडल्स तो वो ज़्यादा खाता नहीं है। हाँ रोटी पकना स्टार्ट हो गया है, मटन की चटनी हमें बनाएंगे, हमें रोटी बनाएंगी। हाँ इतना है, फटाफट खत्म करके सोना है कि यहाँ इसको सोने के लिए भेज के। एंड यहाँ पे तिल एंड मटर का चटनी बनाया, ये भाभी ने बनाया पूरा, मैंने सिर्फ मटर बॉईल करने बिठा दिया था, बाकी सब कुछ भाभी ने किया है। एंड रोटी का ज़्यादातर मैंने किया है, बाद में भाभी को दे दिया क्योंकि मुझे एडिट करना था, मेरा दिमाग थोड़ा एडिटिंग में जा रहा था इसलिए। तो ये बनकर रेडी है, तो ऐसे डाल देते हैं।
तो मैंने आज वॉलंटियर ले लिया है एंड फाबी अभी यहाँ पे बना रही है। फाबी के पास सीखा है ना फाबी? हाँ, क्या किस जोश में सीखा है? नहीं भाभी को ऐसा हुआ, यहाँ पे इतना बन गया है कि बहन बना सकते तो मैं क्यों नहीं, ऐसा वाला फील उनको आया। तो हुआ क्या, मैंने तो सिखाया किशन दादा के लिए, इनके इसके पति के लिए, क्योंकि वो हमें सोचता था बढ़िया मजा आ जाता ना यहाँ पे रोटी होता ऐसा, वो उसको बोलने के असल ही ऐसा होता। तो मैंने सोचा बेचारा इतना आधा मोड़ा मोड़ा है खाने के लिए, तो सीख लेती हूँ। एंड मम्मी को झूठ बोल के मैंने सीखा था कि एक भाभी चाहती है पहले रोटी बनाना, तो मुझे प्रोसेस बता दो, मैं भाभी को बता दूंगी। कोई भाभी वाभी नहीं थी, वो मेरे खुद ही इसको बनाना था, ऐसा करके बनाया। एंड फर्स्ट बार में जब हो गया तो कॉन्फिडेंट भी आ गया। तो यही था मेरा शॉर्ट में कहानी। एंड भाभी को नहीं आता था, तो जब वो आई ना घर पे तो उन्होंने देखा कि मैं रोटी बना लेती, तो उनको लगा कि ये टाउन में बैठ के मतलब इसको कोई इन्होंने भी किसी से सिखा नहीं, खुद से सीख लिया, तो मैं क्यों नहीं। तो ये जोश में आके एक बार इन्होंने बना लिया, तो उनके साथ भी सेम हुआ, सबके साथ होता है, अगर आप एक बार अच्छे से ट्राई करो तो बन ही जाते ये चीज़। उसके बाद इन्होंने सीखा एंड मैंने और एक इंसान को सिखाया है, वो है सोमा दी, बंगाली है उनको, शिलोंग में बैठी थी तो नेपाल के टच में थी, मारवाड़ी उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने भी ऐसे करके, मैंने मेरे पर उनके घर पे गई थी तो बैटर रेशियो मैंने बता लिया था, उन्होंने रेडी करके रखा था, तो वो अभी खुद से बना के खाती है, तो वो भी मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, इनको भी मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। हालांकि मैंने लेकिन मैंने इनको सिखाया नहीं, रुका के जैसे समाज को सिखाया था, पर इन्होंने मुझे याद करके सिखा, तो उसके लिए क्रेडिट। तो अभी ज़्यादा नहीं है, इतना ही बचा है। भाभी अभी बनाएंगी यहाँ पे थोड़ा सा, मैं एडिट करना है क्योंकि मुझे वीडियो कुछ अपलोड करना है। अपलोड तो मैं कल करूँगी लेकिन एडिट अभी करना है, जब तक ये बनाती है तब तक मैं थोड़ा एडिट कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको बाद में। एक्चुअली मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कल मिलूँगी, कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊँगी। यहाँ का बहुत अच्छा एक जगह है, मतलब एक मंदिर जाने वाले हैं वो दिखाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको मैं दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन बाय, गुड नाइट।